कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। ललन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। अभी इस हालत में वो जिस तरह से काम करता है, एक जुनून, एक जो जोश उसमें है, वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा। खासतौर पे वो जो उत्तम दा वाला जो प्रसंग है कि जया से झगड़ा हुआ इसलिए उत्तम ने मुझे लाठी मारी। लाठी मारी तो यहाँ पे उसको, बेचारे को गिर गया, वो सारा सन्नाटा छा गया सेट के ऊपर। देश प्रेमी में, देश प्रेमी का शूट था। यू आर वन ऑफ द स्लम लॉर्ड। आई वाज स्लम लॉर्ड। मैंने तो कहा अभी पैकअप हो जाएगा भाई, बेचारे के तो बेहोश हो गया, इधर तो इतना बड़ा रोड़ा बन गया। फिर आपने वो रेशमा और शेरा का भी लिखा है जिसमें उन्होंने दीवार पे मारा, दीवार पे टक्कर मार दी। दे अपना दत्त साहब ने ऐसे फिल्मी जबान में कहा कि ऐसा मारो तुम जाके दीवार में लग जाओ जैसे कि तोड़ना चाहते हो। उसने सीरियसली ले लिया, भागते भागते गया फुल स्पीड, यानी बैंड इज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कोलैप्स्ड। अमिताभ बच्चन नीचे बेहोश पड़े हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा पैकअप पैकअप, नहीं नहीं सर बैलफीट बच सके। बढ़िया शॉट हुआ बेटा, अभी और बात करना। ही टुक लॉट ऑफ रिस्क इन लाइफ। हाउ वाज इट? मतलब अभी आप बोल रहे थे तो मेरे ख्याल में आया कि मुंबई की इंडस्ट्री उस दौर में लॉट ऑफ पंजाबीज है ना, तो वो जैसे आपने बताया कि दिलीप साहब, यूसुफ साहब कैसे बात करते थे, यश जी, उसके पहले बी आर चोपड़ा, ये सब, और इन सब के बीच में एक इलाहाबाद से लड़का आता है जो नैनीताल में पढ़ा है। आई डोंट नो, मतलब वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहता था, क्योंकि आपकी बातें सबकी सुन के लग रहा है कि ज्यादातर बातें जैसे पंजाबी में ही हुआ करती हूँ सेट पे। यू सी, यू आर फॉरगेटिंग दैट उसकी माँ जो थी वो सिखनी थी, तेजी बच्चन। यस, तो उसका खून जो था वो दोनों तरफ से बहुत पावरफुल जीन्स लिए थे उसने। यस, यू आर राइट। तो हिज फादर वाज अ, क्या बोलते हैं, ही वाज अ कायस्थ फादर, ग्रेटेस्ट राइटर, और यहाँ तेजी बच्चन जी, सुना है बहुत तेज तर्रार महिला। मैं उनको जानता नहीं था, मगर हमने तो पढ़ा ही है, बहुत उसमें जोश था। आई फील शी मस्ट हैव डिसेंडेड स्ट्रेट फ्रॉम द गुरुज ऑफ समथिंग, यू नो, शी वाज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो इसको विरासत में जो मिला है, कमाल का जीन्स मिले हैं। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। ललन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। ललन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए ललन टॉप अड्डे पर, दिखाइए अपने हुनर का कमाल। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में।